टर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान ने जो भारत के साथ किया है उसके लिए बैकस्टैब ये वर्ड बिल्कुल अप्रोप्रिएट होगा, क्योंकि सच में टर्की ने इस बार भारत की पीठ के ऊपर फिर से छुरा घोंपने का काम किया है। इससे प्रूव होता है कि टर्की कभी भी नहीं सुधरने वाला है। पिछले महीने जब टर्की में अर्थक्वेक आया था, भारत ने अपने सारे गिले शिकवे बुलाकर न सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और रिलीफ मटेरियल भेजा, बल्कि रेस्क्यू ऑपरेशंस में मदद के लिए एनडीआरएफ की टीम्स भी भेजी। इंडियन आर्मी को डिप्लॉय करके वहां पर फील्ड हॉस्पिटल सेटअप किया। ये सब करने वाला भारत पहला देश था। अभी बाकी देशों को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इस सिचुएशन को कैसे रिस्पॉन्ड करें, जबकि भारत ने अपनी टीम्स रवाना भी कर दी थी। इस पूरे ऑपरेशन को भारत ने नाम दिया था ऑपरेशन दोस्त। ट्विटर के ऊपर तो ऑपरेशन दोस्त कई दिनों तक ट्रेंड भी किया। ऑपरेशन दोस्त की कई सारी पिक्चर्स और वीडियोस वायरल हुई। इवन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी टर्की में रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए गई एनडीआरएफ और इंडियन आर्मी की टीम के साथ वहां से आने के बाद मुलाकात भी की और टर्की के अंदर का उनका एक्सपीरियंस जानने की कोशिश की। इसके अलावा टर्की की जो भारत में एम्बेसी है, टर्की के जो भारत में कॉन्सुलेट्स हैं, उनकी एक कॉल के ऊपर हजारों भारतीय लोगों ने टर्की के लिए ब्लैंकेट्स, स्लीपिंग बैग्स, फूड आइटम्स और न जाने कितना सामान भेजा। खुद टर्की के एम्बेसडर ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के ऊपर कई सारी वीडियोस शेयर की थी और भारत को थैंक्स बोला था। कई भारतीय वासुदेव कुटुंबकम का मैसेज दे रहे थे और दावा कर रहे थे कि इससे भारत की सॉफ्ट पावर और भी बढ़ेगी। सबको लग रहा था कि इस डेवलपमेंट के बाद भारत और टर्की के रिश्तों का कायापलट हो सकता है, क्योंकि भारत ने टर्की की जितनी मदद की, जितनी जल्दी रिस्पॉन्ड किया, वो वाकई में तारीफ के काबिल था। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान ने टर्की को वही सामान वापस भेजा जो टर्की ने फ्लड्स के समय पाकिस्तान को दिया था। इतनी ह्यूज डेवलपमेंट को अभी एक महीना भी नहीं हुआ था कि टर्की ने अपना असली रंग दिखाना शुरू भी कर दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर फ्री प्रेस जनरल के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत को ऑपरेशन दोस्त का पेबैक मिल गया है। टर्की ने जिनेवा में जाकर एक बार फिर जम्मू कश्मीर में ह्यूमन राइट्स का मुद्दा उठाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्विट्जरलैंड के जिनेवा में यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल का 52nd हाई लेवल सेशन चल रहा है, जो 27 फरवरी को शुरू हुआ था और 4 अप्रैल को खत्म होगा। ये एक तरह से टर्की का टेस्ट ही था और यहाँ से ही पता चलना था कि ऑपरेशन दोस्त के बाद क्या टर्की का भारत के लिए स्टैंड चेंज हुआ है या फिर नहीं। लेकिन टर्की ने हमेशा की तरह एक बार फिर पाकिस्तान का साथ दिया और ये दावा किया कि भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में ह्यूमन राइट वायोलेशंस हो रही हैं और भारत और भारतीय सरकार जम्मू कश्मीर में मुस्लिम्स के साथ उनके मानव अधिकारों का उल्लंघन कर रही है। टर्की के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने भी इस तरह के फॉल्स क्लेम किए। फ्री प्रेस जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने भी टर्की और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के रिमार्क्स के ऊपर उनका जवाब दिया और कहा कि टर्की और ओआईसी के इस रवैये के ऊपर उन्हें रिग्रेट है, यानी खेद है। इस तरह का फेक प्रोपेगेंडा नहीं फैलाया जाए और इंडिया के इंटरनल मैटर्स में दखल बिल्कुल ना दी जाए। लेकिन इस डेवलपमेंट से ये साफ पता चलता है कि ये जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, एड और मदद होती है, कई बार इसको जियोपॉलिटिक्स से अलग करके भी देखा जाना चाहिए। हमेशा ये नहीं सोचा जाना चाहिए कि अगर हम सामने वाले देश की मदद करेंगे तो वो भी बदले में हमारे लिए कुछ करेगा। हालांकि बुरा तो लगता है जब किसी की मदद करो और सामने से वो देश ऐसा करे, लेकिन क्या करना, ये दुनिया इसी तरह से चलती है। एक हाथ से मदद ली जाती है और वही मदद लेने वाला देश दूसरे हाथ से हमला भी कर सकता है। भारत को बेशक फायदा नहीं हुआ हो, लेकिन टर्की की मदद करना उस समय बहुत ही इम्पोर्टेंट था। भारत ने ना सिर्फ टर्की के आम लोगों को बल्कि पूरी दुनिया को दिखाया कि टर्की के साथ डिफरेंसेस और मतभेदों के बावजूद हम टर्की की मदद कर रहे हैं। भारत एक रिस्पॉन्सिबल देश है और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनने का पूरा हकदार है। खैर, क्या आपको अंदाजा था कि टर्की ऐसा ही करेगा, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।